वालेकुम। सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक ठाक है सब दोस्तों के? एक नई मॉर्निंग, एक नई सुबह। सब दोस्तों से ये बात करनी थी कि जहाँ फ्री बैठे हुए हों, यानी कि किसी जगह पे किसी का वेट कर रहे हैं आप, या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या वैसे फ्री हैं आप, तो सेलफोन के ऊपर वीडियो लोगों की देखना या लोगों के साथ बेफजूल टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह का विर्द कोई ना कोई करते रहें, अपनी आखिरत को बेहतर करते रहें। तो यही नेकी है। अपने माँ बाप की, पेरेंट्स की, बहन भाइयों की, उनकी दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए दुआ करें। और कोई ना कोई टाइम दिन में ज़रूर होता है जिसमें दुआ कबूल होती है, और मेरी ज़िंदगी में ऐसे वकूए हुए हैं कि दुआ कबूल ज़रूर होती है। आप बिलीव करें, सच्चे दिल से रो के दुआ करें, दुआ रद्द नहीं होगी, दुआ कबूल होगी। और मेरे इस चीज़ पे इतना बिलीव है, आप सोच नहीं सकते हैं कि जो कर रहा है अल्लाह पाक कर रहा है, जो करना है अल्लाह पाक ने करना है। किसी रिजक रोज़ी के पीछे परेशान ना हो, किसी चीज़ के पीछे परेशान ना हो। जो चीज़ अल्लाह ने ले ली है उसमें भी फ़ायदा है कोई होगा आपका, जो चीज़ अल्लाह ने दी है उसमें भी आपका कोई फ़ायदा होगा। तो मेरी आप सबसे यही है, दोस्तों से, बहन भाइयों से, बड़ों से, छोटों से, कि अपना माइंड जो है ना पॉजिटिव रखें तो हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी। नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नज़र आएगी हर चीज़। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, नमाज पे फोकस करें। आपको मैं बताऊं कि नमाज के अंदर ही इतनी बीमारियों की शफा है ना कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है? लेकिन बस साइंस अभी पहुंच रही है और हम लोग गुमराह हुए हैं इस चीज़ पे। तो मेरी सब दोस्तों से, बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को फॉलो करें और जो है ना इस चीज़ पे चलें।